एक खौफनाक खबर वायरल हो गई है और कई डेफ लोग इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं। खबर एक डेफ लड़की अंजलि यादव की है, जिसने लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में फांसी लगा ली। आपको लगता है कि उसने बीएड एचआई परीक्षा में असफल होने के तनाव के कारण फांसी लगा ली? सही है ना? हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ है। अंजलि के साथी छात्रों ने आरोप लगाया है कि अंजलि पढ़ाई में अच्छी थी और मेहनती थी, वह लगातार और उद्देश्यपूर्ण ढंग से विफल हो रही थी और शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित की गई थी। वह तनाव में थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अंजलि ने 2 सितंबर को बीएड एचआई के दूसरे सेमेस्टर का परिणाम प्राप्त किया। अंजलि ने देखा कि वह परीक्षा में फेल हो गई है और इसलिए उसने फांसी लगाने का फैसला किया। 3 सितंबर की रात करीब 8 बजे, जब हॉस्टल के अन्य छात्र मेस में डिनर के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अंजलि को फांसी पर लटका देखा। वह हैरान रह गए। उन्होंने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और वार्डन ने उसे लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल दहला देने वाला। अंजलि की मौत के बाद उसके साथी छात्र नाराज हो गए और बाहर जाकर विरोध किया और गेट बंद कर दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ साथ बीबीएयू के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। 3 दिसंबर को अंजलि की मौत के बाद से चल रहे विरोध प्रदर्शन में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि अंजलि को कुछ शिक्षकों ने परेशान किया और जानबूझकर कम अंक दिए और फेल किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव परीक्षा प्रॉक्टर परीक्षा नियंत्रक और विश्वविद्यालय के कुलपति, जो सभी जिम्मेदार थे, उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। छात्रों ने एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश शामिल हो। उन्होंने आगे अंजलि के परिवार के लिए मुआवजे और एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग भी की। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, अंजलि के बीएड बैच में 20 छात्रों में से शिक्षक ने 15 को फेल कर दिया था। केवल 5 पास हुए थे, 15 फेल हो गए, इसका क्या मतलब है? हम मांग करते हैं कि प्रश्नपत्र को सही करने और जानबूझकर कम अंक देने वाले शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। विश्वविद्यालय में बहुत सारे दिव्यांग छात्र हैं और बहुत सारे डेफ छात्र भी हैं। छात्रों के अनुसार विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त संख्या में दुभाषीय नहीं है और ना ही उचित सुगम्यता है। दिव्यांग छात्रों के पास उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था नहीं है। बीएड एचआई की परीक्षाएं निर्धारित होती है, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना शिक्षक की जिम्मेदारी है। हालांकि शिक्षक शुरू में अनियमित रूप से पढ़ाते हैं और परीक्षा से पहले जल्दबाजी में पढ़ाने लगते हैं, साथ ही बहुत से विषय छूट जाते हैं, वे समझ नहीं पाते और परीक्षा के दौरान तनाव में रहते हैं। शिक्षक अच्छी प्लानिंग नहीं करते हैं, यह छात्रों के अनुसार है। काकोरी के सहायक पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने कहा,
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लड़की के परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। कई सूत्रों के मुताबिक अंजलि का भाई प्रदीप भी डेफ है और उसी यूनिवर्सिटी में काम करता है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव अमित कुमार सिंह ने कहा, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही अच्छी छात्रा ने खुद को फांसी लगा ली। हमने मामले की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। कुछ ही छात्र विरोध कर रहे हैं। हम उनके संपर्क में हैं। विरोध जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर आप लखनऊ से हैं और जानते हैं कि असली कहानी क्या है, क्या टीचर ने वाकई में उसे परेशान किया, तो हमें कमेंट्स में बताइए।